नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। छठ महापर्व का तैयारी चल रहा है, आज दूसरा दिन खरना है और हम आए हुए हैं पूर्वांचल मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष नीरज जी के यहाँ। यहाँ पे हमारे दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सचदेवा साहब हैं और छठ पूजा को लेके जिस प्रकार से पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश दुनिया में अब मनाया जा रहा है, वैसे ये त्यौहार पूर्वांचल का माना जाता था लेकिन अब पूरे दुनिया में मनाया जाता है। छठ त्यौहार दिल्ली में इसलिए खास है कि यहाँ पे राजनीति बहुत ज़्यादा हो जाती है। पिछले कुछ सालों से जमुना में झाग को लेकर प्रदर्शन किए गए बीजेपी के द्वारा और आम आदमी पार्टी के या सरकार के द्वारा दिल्ली में झाग को मिटाने के लिए फॉगिंग की गई है, उस पर भी कुछ शिकायतें हैं। अभी बीजेपी के द्वारा जमुना में फॉगिंग को लेकर काफ़ी ये कहा गया कि जहर को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? यमुना मैया को इस हालत में पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार दिल्ली की सरकार को आर्थिक मदद दी गई और लगभग 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए, कहाँ खर्च हो गए, उसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माँ यमुना की इस स्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। वजीराबाद की बैराज से पहले यमुना देखिए आप, हम वहाँ स्नान भी कर सकते हैं, उस पानी को पी भी सकते हैं जो हरियाणा से आ रहा है, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पानी। लेकिन जैसे ही वजीराबाद बैराज पार होती है और जैसे ही गंदे नालों का पानी उस यमुना में जाता है, आज भी दिल्ली में लगभग 241 के लगभग STP जो है या अनट्रीटेड वाटर सीधा यमुना में जा रहा है। पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल अगर अनट्रीटेड वाटर को नहीं रोक पाए हैं और यमुना की जो स्थिति है उसको और बदतर करने में उनका प्रशासन का योगदान है। और जिस झाग की आप बात करें या जिस गंदगी की बात करें वो केमिकल के दबाने से भी नहीं दब रही। कारण क्या है कि समस्या ज़्यादा गंभीर है, उस पर ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। माननीय उपराज्यपाल जी ने बीच में प्रयास किया, नजफगढ़ ड्रेन साफ़ किया और यमुना का एक स्ट्रेच 6 महीने में साफ़ करके दिखाया, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल की सरकार कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेकर आती है, उनको काम करने से रोकती है। तो अगर यमुना की स्थिति जो हमने बचपन में देखी है, मैंने उस यमुना में स्विमिंग सीखी है, तैरना सीखा है, हम तैर के पार करते थे और आज उस यमुना में आप पाँव नहीं रख सकते, कारण इतनी प्रदूषित और जानलेवा है। इसलिए स्थिति इस तरह इस कदर की हो गई है जिसमें मुझे लगता है कि सच्ची नीयत से और धार्मिक आस्था से काम करने की ज़रूरत है जो इस सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वैसे तो हम आप थोड़े समझदार हैं, लेकिन जो छठ मैया के प्रति खास तौर पे वे लोग जो वाकई हृदय से छठ मैया के प्रति आस्था रखते हैं वो आज भी जमुना में ही जाके व्रत करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने बैरिकेड लगा दिया है, बाहर खड्डे खोद के उसमें अलग से पानी डाला है, फिर भी बहुत सारी महिलाएं उसी जमुना में जाने को अपने आप को सोचती हैं कि हमारा त्यौहार तभी पूर्ण होगा जब हम जमुना के पानी में पैर रखेंगे। देखिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म की जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उन आस्थाओं का हम पालन करते हैं और इसलिए वो जो व्रती बहनें या भाई हैं जो वहाँ जाके ये करना चाहते हैं उनके पीछे उनकी पुरानी पारंपरिक संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल ने एक काम और किया है, यमुना में प्रदूषण ना फैले इसलिए छठ व्रतियों को यमुना के तट पर पूजा करने की अनुमति ना दी जाए, ये एफिडेविट अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दिया है। बिल्कुल, और वो एक बैरिकेड भी लगा दिया है और कोर्ट में दिया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुँचाने में आप माहिर हैं, चाहे वो पटाखे का काम हो या अभी छठ पूजा की छठी मैया की पूजा या हमें व्रत का वो मामला हो, वजीराबाद से पहले जहाँ यमुना साफ है वहाँ आपको अनुमति देने में क्या दिक्कत थी? वहाँ तो आप कह सकते थे, लेकिन आपने कहा कि यमुना में प्रदूषण छठी मैया की पूजा करने से होता है, ये एफिडेविट दिया उन्होंने। तो जिस छठी मैया जो छठी मैया हमारे लोक आस्था का पर्व है, सूर्य की उपासना का पर्व है, प्रकृति प्रेम का पर्व है,
अगर उस पर्व से प्रदूषण होता है तो अरविंद केजरीवाल आपको सोचना चाहिए कि आप कितनी बड़ी चोट इस सनातन धर्म पे कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल हम आपसे भी करेंगे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या आने वाले समय में 1 साल 2 साल 4 साल कब तक बीजेपी यमुना के प्रति कुछ नया अध्यादेश लाके, या कुछ जब केंद्र में आपकी सरकार होती है अध्यादेश लाके दिल्ली सरकार को कोई ना कोई आप कर देते हैं, तो क्यों नहीं यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार से आप लोग मांग करें और यमुना की सफाई हो, ताकि छठवर्तियों के साथ साथ आम लोग भी यमुना में डुबकी लगा सकें। देखिए, जिस अध्यादेश की बात कर रहे हैं वो कानून का विषय था, ये स्टेट सब्जेक्ट है, करना राज्य सरकार को, इसलिए केंद्र सरकार लगातार उनकी आर्थिक मदद करती है। लेकिन आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी शासन से त्रस्त हो चुकी है, और मैं आह्वान करता हूँ कि आप इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाइए। हम यमुना मैया के घाटों को सुंदर भी बनाएंगे, यमुना मैया को स्वच्छ भी बनाएंगे, और छठी मैया का व्रत हम सब व्रती मिलकर यमुना के घाट पे करें, ऐसी मेरी मंगल कामना शुभकामना है। पूर्वांचल के इस त्यौहार को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, प्रकृति का त्यौहार माना जाता है, और इसमें प्रकृति की ही पूजा होती है। हमारे साथ नीरज जी हैं और इनको इस संबंध में ज़्यादा पता होगा। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आप बताएं इस त्यौहार को लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है, और प्रदेश के बारे में भी बताएं कि पूरे प्रदेश में क्या क्या तैयारी है। देखिए, यह पर्व प्रकृति प्रदत्त पर्व है, और प्रकृति से जो होता है उसको हम लोग सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं, और यह पहला ऐसा पर्व है जो किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो व्रती होते हैं सब कुछ वही करते हैं, बस उसमें जो परिवार के पुरुष होते हैं वो जो छैंटा होता है, जो सूप होता है, उसको ले जाके घाट तक पहुँचाते हैं। तो जो तैयारी है उसके लिए तो बहुत, जो एक इसका सबसे बड़ी संस्कृति थी कि यमुना घाट पर ये होता था, और उस संस्कृति को पिछले कई सालों से दिल्ली में जो सरकार है उनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस संस्कृति को ख़त्म करने की तरफ अग्रसर कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें कम से कम 3-4 दिन अपना सब कुछ छोड़ के स्वच्छता, सफाई, गड्ढा खोदना, पानी देना, और सुबह 5 बजे से आप किसी भी घाट पे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में आपको मिल जाएंगे, और जो व्रती हैं उनके सहयोग करने के लिए। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे पार्टी के व्रती हैं या नहीं हैं, तो ये भावना हम लोग सीखे हैं, और ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि और भी दल के लोग, चाहे जो सरकार है वह इसकी जो भी कमियां हैं उसको ख़त्म करके, और यमुना पर जो 40-50 किलोमीटर का जो पैच है उस पर अस्थाई घाट बना दे, और यमुना जी को स्वच्छ कर दे, और छठी मैया सद्बुद्धि दे दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अस्थाई घाट, और जो पिछले 6 साल पहले से जैसे मदन लाल खुराना जी ने जो शुरुआत कराया, जो आज यहाँ तक बढ़ा है, उसकी अस्थायित्व तो आ जाए, यही मेरी मांग है दिल्ली सरकार से, और यमुना जी को स्वच्छ करके अस्थायी घाट बन जाए, और हमेशा यह भव्य पर्व अच्छा से मनता रहे। बिल्कुल, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15-20 दिन से आप जगह जगह घूम घूम के जो जो परेशानियाँ हैं जहाँ पे भी छठ घाट को लेके आप लगे रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से LG साहब हैं आपके पार्टी के या सरकार की तरफ से, केंद्र का भी आपके पास पूरा ये है, तो आप लोग भी तो यमुना की सफाई अपने तरफ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप देख लीजिए, 1 महीना पहले से किसी भी घाट पर आप जाइए, मैं लगभग सैकड़ों घाटों पर गया हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सफाई करते हुए मिले हैं। सरकार जो है दिल्ली में, उनके कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक, कोई पार्षद और कोई नहीं मिला। मैं तो आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि एक आध घाट पर उनको भी जाना चाहिए, शायद वो एक भी घाट पर नहीं गए जहाँ तक मुझे जानकारी है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दर्जनों घाट पर गए, हमारे सांसद लोग घाटों पर गए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, आप किसी भी घाट पर चले जाइए, मैं ITO की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी बाहरी दिल्ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपको वहाँ जरूर मिल जाएगा सेवा करते हुए, सफाई करते हुए। लेकिन वो लोग केवल इसको मीडिया इवेंट बनाते हैं, तो छठी मैया उन लोगों को सद्बुद्धि दें, और यमुना स्वच्छ होकर अस्थाई
छठ का घाट बने और सब लोग मिलजुल के हम लोग मनाएं और दिल्ली चमके, यही हम लोग छठी मैया से मांगेंगे। कल के दिन में और परसों के दिन में एक और चीज़ बहुत अस्त व्यस्त दिखता है, ट्रैफिक को लेके। लोग पैदल भी चल रहे होते हैं और दिल्ली के ट्रैफिक ऐसे भी आम दिन में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो, यह टाइमिंग ऐसा है कि उसमें ट्रैफिक बाधित बहुत कम होता है। एक तो सुबह 5 बजे लोग 4 बजे से निकलते हैं और 6 बजे तक अर्घ दे के सूर्योदय के समय वापस आ जाते हैं। दूसरा जो शाम का होता है ये 5 बजे घाट पहुंचना होता है तो लोग 4 बजे से निकलते हैं, तो उतना ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासन पूरी तरह से रोड मैप बना लेती है और उसको पूरी व्यवस्थित ढंग से वहाँ तक व्रतियों को पहुँचाती है। इसके लिए मैं ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं आती है। मेन बाधा जो घाट पर है वो जो आपने बताया कि देखिए ये सरकार की भूमिका होती है, अब हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के और एक सरकार की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है, सरकार का पावर भी बहुत बड़ा होता है। सरकार की अगर मंशा सही हो दिल्ली सरकार की तो बहुत कुछ हो सकता है। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है, आज दूसरा दिन खरना है और ये न्यूज़ हालांकि मैं आपको संझ के अर्घ के दिन आज दिखा रहा हूं, लेकिन कल रात में खरना के अवसर पर हर जगह खरना का त्यौहार मनाया गया, खीर पूरी आदि चढ़ाए गए और व्रतियों ने उसको भोग लगाया माँ छठी को। हमारे साथ अखिलेश शुक्ला जी हैं, अखिलेश जी से जानते हैं छठ पर्व के बारे में और ये क्या कहना चाहते हैं। दिल्ली में बैठिए आप, बैठिए, क्या चल रहा है छठ को लेकर, अखिलेश जी बताएं। दिल्ली में जिस प्रकार से छठ को लेकर परेशानी पूर्वांचल के लोगों को खासतौर पर होता है और छठ पर्व के बारे में आप कुछ बताएं। देखो आपके सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उजागर कर रहे हैं कि जो जो छठ प्रेमियों को जो या छठ भक्त हैं उनको जो जो कठिनाइयाँ आ रही हैं। सबसे पहले तो छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसको आज दिल्ली ही नहीं, मतलब बिहार दिल्ली ही नहीं, पूरे विश्व में अब इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, पूरा विश्व इसका लोहा भी मानने लग गया है कि यही एक ऐसा पूजा है जिसमें हम प्रत्यक्ष देवता की पूजा करते हैं। बाकी सब पूजा तो होती है कि हम उनकी प्रतिमा बना के करते हैं, लेकिन हमारी जो छठ महापर्व होती है ये प्रत्यक्ष पूजा होती है। जैसे आप देखे होंगे तो आज खरना है, आज ये देखो महाप्रसाद भी बना हुआ है, इसमें रोटी और गुड़ का जो है खीर बनाया जाता है। अगर आप इसको देखें मतलब इसमें चीनी नहीं पड़ती है, तो ये शुद्ध जो कहते हैं कि जैसे एकदम पर्यावरण को हम शुद्ध रखना चाहते हैं, इसी तरीके से एकदम जो हमारी मातृभूमि जो हमें देती है, जो मातृशक्ति हमें देती है, हम वही चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये हमें दर्शाती है कि आप अपने रूट से हमेशा जुड़ के रहिए, छठ महापर्व हमें ये भी सिखाती है। दूसरा रह गया कि जैसे कठिनाइयों की बात कर रहे हैं तो पीछे कई सालों से आप देख रहे होंगे कि यमुना जी में लगातार झाग बन रहा है जिसकी सफाई जो है, अगर हम देखना चाहें कि जिस तरीके से नेतागण दोनों तरफ देखते हैं कि यहाँ पे सफाई क्यों नहीं हो रही है, धरना प्रदर्शन देते रहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना लोग धरना प्रदर्शन से समय व्यतीत करते हैं और ख़राब करते हैं, अगर उसी समय को शायद यमुना जी को साफ़ करने में लगा दें तो यमुना जी जो छठ महापर्व है यहाँ तक आते आते वो एकदम स्वच्छ और निर्मल भी हो जाएँ। और आम आदमी पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी क्या विशेषता हो गई है, उन्होंने तो जैसे अपने एफिडेविट में दिया हुआ है कि भाई छठ महाव्रत करने से या जो छठ पूजा करने वाले हैं जो उसमें नहाते हैं या जो पूजन सामग्री चढ़ाते हैं उससे यमुना जी और दूषित हो जाती हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो यमुना जी में कुछ चढ़ाया ही नहीं जाता है, केवल अर्घ दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो प्रसाद रूप में लोग वापस लाते हैं जो हमारे छठ महापर्व के होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि छठ महापर्व को देखते हुए कि यहाँ पर जो भी झाग उत्पन्न होता है उसको आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उसको आप देखें तो वो विषाक्त और दूषित केमिकल उस पर छिड़काव करते हैं, जो कि अगर छठ प्रेमी वहाँ पे जाके यमुना जी में स्नान भी कर लें तो उनको खुजली हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूँ, एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार कहती है कि आपको यमुना जी में जाना ही नहीं है, अगर यमुना जी में जाना नहीं है तो उस झाग को आप मिटा क्यों रहे हो? जब आप लोगों को पूजा
कह रहे हो कि आप गड्ढा खोद करके करो, तो इसका मतलब है कि आप जो जनता का पैसा है आप उसको भी खराब कर रहे हैं, यानी उस झाग में केमिकल डाल रहे हैं जिसका कि आपका छठ पूजा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप यमुना जी में जाने से छठ व्रतियों को रोक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो कोई तात्पर्य निकल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक करप्शन को और बढ़ावा देना है, क्योंकि केमिकल का छिड़काव यमुना जी में करना है। तो मैं कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इनको सद्बुद्धि दे, केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि आए कि इस तरीके का प्रयोग ना करें कि एक तरफ कहते हैं आपको जाना नहीं है यमुना जी में, दूसरी तरफ यमुना जी में झाग की सफाई कर रहे हैं।